आपको आइए आप बताते हैं बीएमसी ने कोर्ट में क्या कहा और क्या कहा कंगना के वकील ने। जी हाँ, एक तरफ बीएमसी ने जो बॉम्बे हाईकोर्ट में अपनी बात रखी तो बीएमसी ने अपना पक्ष रखा। कंगना के वकील ने कहा ये रिहायशी बिल्डिंग थी, स्टाफ वहां पर रहता था। बीएमसी ने कहा बिल्डिंग का कमर्शियल इस्तेमाल हो रहा था। ये जो पाली हिल का पूरा इलाका है दरअसल यहां पर रेसिडेंशियल एरिया है और इसीलिए इस पॉइंट को बीएमसी ने उठाया है। कंगना के वकील कह रहे हैं कई सारे तथ्य ऑन रिकॉर्ड लाने की जरूरत है, इस पूरे मामले में टाइम दीजिए। बीएमसी ने कहा कोर्ट के आदेश के बाद काम रोक दिया गया है, अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, वो भी कुछ ना करे, मुझे वक्त चाहिए। जब कहा कंगना के वकील ने, जो मेरे पॉइंट्स हैं, अभी क्लाइंट वापस आई है मुंबई, तमाम पॉइंट्स मुझे बनाने हैं। बीएमसी ने कहा कि ठीक है लेकिन ध्यान दिया जाना चाहिए कि घर में कोई बदलाव ना हो। कंगना के घर में बिजली पानी नहीं आ रहा, ये कंगना के वकील ने कहा। तो बीएमसी की तरफ से कहा गया अवैध निर्माण गिराया गया है, नियमों के तहत ही कार्रवाई हुई है। तो ये दोनों तरफ के आपने तमाम जो पक्ष थे और जो दलीलें दी गई थी वो सब कुछ सुन लिया है।